दिन आज 6 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य है, मिथे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देहभान को भूल अपने को और शरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतु प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण सदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तुम छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं और ही भक्ति मार्ग का चहचटा यानी दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन यानी दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं, तुम पवित्र बन हमको याद करो। जीते जी मरना है, तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती हैं। सो भी आत्मा तो बिंदी है, निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती हैं। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे यानी बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। कहते हैं, अपने बाप को अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम
याद करूं सबका एक बाप तुम, वह है ना तुम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते हो, शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो पक्का निश्चय है हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है, किसको दोष नहीं देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। कितना वंडर है आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बजाती है। अभी तुमको देहत के पार्ट का पता पड़ा है, यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बंती आत्मा है, आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तम प्रधान से सतु प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक जितना जिसने अक्ल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कल्प पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है, यहां रहकर पुरुषार्थ करने वालों से, वहां घर में रहे पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं अगर ऐसी लगन है तो। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना, भल भील बाहर का रहने वाला था लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहना है। यह भी तुम मिसाल देखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है, ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी
दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहा छोड़ा है, मुझे ही छोड़ कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए, बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे, जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है, बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहराना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं, जैसे द्वारिका नाम नहीं लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डेटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन
ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं, भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी, यहाँ तुम समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है, विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। गांव-गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां, एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू यानी इज्जत गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना, कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती है। माया छोड़ती नहीं है, जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है, फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना।
बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। दूसरा, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान है सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उनको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है संगम पर सहन करना अर्थात